हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जो है फर्स्ट टॉपिक इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी। तो स्टार्ट करने में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक तरफ सिटीज़ और एक तरफ टाउन्स और विलेजेस, इन दोनों के बीच में आप कैसे फ़र्क देख सकते हो। तो टाउन्स और सिटीज़ जो सबसे पहले अपीयर हुई वो रिवर वैलीज़ के पास में अपीयर हुई, जैसे कि उर, नीपुर एंड मोहनजोदड़ो। तो ये सारी सिटीज़ काफ़ी बड़ी होती थी, बाकी सारे ह्यूमन सेटलमेंट से के मुकाबले ये सिटीज़ का एरिया काफ़ी बड़ा होता था। और जो एंशियन सिटीज़ होती थी वो इसीलिए डेवलप कर पाए क्योंकि यहाँ पे अगर फूड सप्लाईज अगर मिलते थे ज़्यादा, अगर यहाँ पे लोगों को खाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो अवेलेबल हो इजीली, तो वहाँ पे और भी सारे लोग आ पाएंगे, मतलब नॉन फूड प्रोड्यूसर्स वहाँ पे आते हैं और इनको खाना आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप होने स्टार्ट हो गई, एंशियन सिटीज़। सिटीज़ काफ़ी, कई बार सिटीज़ बहुत सारी चीज़ों का सेंटर होती थी। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और भी बहुत तरीके के सोशल ग्रुप्स को ये सपोर्ट करते थे, जैसे कि आर्टिशंस, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, इन सब को। और सिटीज़ खुद भी काफ़ी वैरायटी की थी साइज़ में और कॉम्प्लेक्सिटी में, कोई सिटी छोटी होगी कोई बड़ी। और ये आजकल की जो मॉडर्न मेट्रोपॉलिस है उनकी तरह डेंसली पॉपुलेटेड भी हो सकती है, जहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फंक्शंस एक साथ कंबाइन होते हैं पूरे इलाके के लिए और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करती हो। अब देखो यहाँ पे मेट्रोपॉलिस, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखो मेट्रोपॉलिस मतलब के अ लार्ज डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ अ कंट्री और स्टेट, ऑफन द कैपिटल ऑफ द रीजन, किसी भी देश की या फिर किसी भी राज्य की एक बड़ी और डेंसली पॉपुलेटेड जो होती है सिटी, खासकर वो वहाँ का उस स्टेट का या फिर उस देश का कैपिटल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिस। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पे होते थे, यहाँ पे पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक फंक्शंस पूरे इलाके में ज़्यादातर यहीं पे होते थे, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहने आ जाती, या तो फिर वो छोटे अर्बन सेंटर्स की तरह हो सकते हैं जिसमें लिमिटेड फंक्शंस हों, सिर्फ थोड़े से काम हो सकें वैसा। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो अर्बनाइजेशन हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में उसकी हिस्ट्री क्या है, पूरी दुनिया में जो नए नए शहर बनने लगे ना तो उसकी हिस्ट्री क्या है। और अब हम इसमें डिटेल में कैसे देखेंगे, दो मॉडर्न सिटीज़ है उनके एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझेंगे, जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट के एग्ज़ाम्पल्स हैं। देखो एक तो है लंदन, जो पूरी दुनिया की एक लार्जेस्ट सिटी है, जो उस टाइम पे एक इम्पीरियल सेंटर था 19th सेंचुरी में। और दूसरा है बॉम्बे। बॉम्बे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न सिटीज़ कहलाती है। ठीक है, इन दोनों के एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे दुनिया में मॉडर्न सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्या था इनकी हिस्ट्री में, कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती थी। ठीक है, 1.1 इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइज ऑफ द मॉडर्न सिटी इन इंग्लैंड। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मॉडर्न पीरियड के टाइम पे अर्बनाइजेशन के फॉर्म को काफ़ी चेंज किया था। ठीक है, अब भले 1850s तक, एज लेट एज 1850s तक, मतलब काफ़ी 10 साल 20 साल गुजर जाने के बाद भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था ना 1850 से काफ़ी पहले हुआ था, तो तब तक तो मॉडर्न जितनी भी वेस्टर्न मॉडर्न कंट्रीज थी वो ज़्यादातर गाँव जैसी थी, लार्जली रूरल उस टाइम पे भी गांव जैसी थी। और जो पहली शुरुआती जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी ब्रिटेन की, जैसे कि लीड्स है, मैनचेस्टर है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते थे टेक्सटाइल मिल्स में काम करने के लिए। टेक्सटाइल मिल जो लेट 18th सेंचुरी में सेटअप की गई थी, यहाँ पे काम करने के लिए इन दो सिटीज़ में, लीड्स और मैनचेस्टर में काम करने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते थे। और 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले जितने भी एडल्ट्स हैं उसके 3/4, मतलब 3/4 लोग बाहर से आए थे, गांव वाले इलाकों में से यहाँ पे आए थे, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ना कि 75% लोग बाहर से आए थे गांव वाले इलाकों में से। अब यहाँ पे लंदन का एग्जांपल देखते हैं, तो 1750 तक क्या हुआ था, 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले हर 9 लोगों में से एक इंसान लंदन में रहता था। वो एक कॉलोसल सिटी थी, इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी थी, 675,000 इतनी पॉपुलेशन थी, मतलब के 675,000 जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी। और 19th सेंचुरी में लंदन एक्सपांड होता गया, इसकी पॉपुलेशन
चार गुना बढ़ गई 70 ईयर्स में। 1810 से लेकर 1880 तक इसकी पॉपुलेशन चार गुना बढ़ गई। 1 मिलियन थी पहले 1810 में, फिर बाद में 1880 तक 4 मिलियन जितनी हो गई थी इसकी पॉपुलेशन। अब जो ये सिटी थी ना लंदन की, ये एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करती थी। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने आप खींचे हुए चले आते थे, क्योंकि इनको पता था कि लंदन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कमाने के लिए। तो गांव वाले इलाकों में जहाँ पे काम कुछ नहीं मिलता था मान लो, तो वहाँ के लोग अपने फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में आते थे ना, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करती थी। अब भले ही यहाँ पे बड़ी सिटी, बड़े फैक्ट्रीज डेवलप नहीं थी, फिर भी तो एक हिस्टोरियन है गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, उन्होंने लंदन के बारे में क्या लिखा है कि 19वीं सेंचुरी का जो लंदन है वो एक सिटी था जिसमें हर तरह के लोग रहते थे। देखो यहाँ पे इसने सिर्फ बताया है कि किस किस टाइप के लोग रहते थे यहाँ पे, क्लर्क्स, शॉपकीपर्स, स्मॉल मास्टर्स, स्किल्ड आर्टिसंस, और वहाँ पे सेमी स्किल्ड और स्वेटेड आउट वर्कर्स भी थे, सोल्जर्स, सर्वेंट्स, कैजुअल लेबरर्स, स्ट्रीट सेलर्स, बैगर्स, ये सब लोग यहाँ पे रहते थे। और लंदन डॉकयार्ड के अलावा, डॉकयार्ड का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे समुद्री जो जहाज़ है वो बनते हैं और टूटते भी हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे समुद्री जहाज़ जो माल सामान लेके आते हैं उनको वहाँ पे भी लाया जाता है। तो लंदन डॉकयार्ड के सिवाय 5 मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे थी जो बहुत सारे लोगों को काम देती थी। ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी? क्लोथिंग एंड फुटवेयर, वुड एंड फर्नीचर, मेटल्स एंड इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंड प्रेसेशन प्रोडक्ट्स। प्रेसेशन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? जिस काम को बहुत ही बारीकी से किया जाए ना, बहुत ही ध्यान दे के बारीकी से किया जाए, उसको बोलते हैं प्रेसेशन प्रोडक्ट्स। जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन करते वक्त जो डॉक्टर जिस जिस तरह से ऑपरेशन करता है, जो भी चीज़ काटना है जिसको करना है, तो वहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसेशन प्रोडक्ट्स। वॉचेस हैं और प्रेशियस मेटल के ऑब्जेक्ट्स। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लंदन ने मोटर कार्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पे जो बड़ी फैक्ट्रीज होती थी ना, इनकी संख्या बढ़ती गई। यहाँ पे बहुत सारी और भी नई नई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी थी। तब तक बनती रही जब तक कि लंदन में, मतलब उस सिटी में रहने वाले 1/3 लोगों को यही जॉब देती थी, मतलब कि एटलीस्ट 33% लोगों को तो यही जॉब देते थे ये लोग। अब देखेंगे 1.2 मार्जिनल ग्रुप्स। तो जैसे जैसे लंदन ग्रो होता गया वहाँ पे क्राइम भी बढ़ता गया। अब आपको ये तो पता ही होगा, जहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे क्राइम भी होता है। और हमें बताया गया है कि करीब 20,000 क्रिमिनल्स लंदन में रहते थे 1870s के टाइम पे। और हमें उस टाइम की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में भी काफ़ी सारा पता होगा। क्यों? क्योंकि क्राइम क्या था? क्राइम एक ऑब्जेक्ट था, एक टाइप का ऑब्जेक्ट जिसके बारे में सबको चिंता होती थी ना, कि क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबको चिंता होती थी, इसीलिए ये पूरी दुनिया में ये बात मशहूर थी, ये पता था सबको कि हाँ ये लंदन सिटीज़ में इतने सारे क्राइम भी होते हैं। पुलिस को चिंता थी लॉ एंड ऑर्डर की। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब वो लोग जो दया धर्म का काम करते हैं ना, जो अपने कमाए हुए पैसे या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो पब्लिकली शेयर करते हैं, किसी को दान दे देते हैं। तो फिलेंथ्रोपिस्ट इस बात को लेकर चिंता थे कि उनकी जो पब्लिक मोरालिटी है इसको लेकर वो लोग चिंतित थे। और इंडस्ट्रीज लोगों को क्या चाहिए था? उनको एक हार्ड वर्किंग और ऑर्डरली लेबर फोर्स चाहिए था, लेकिन उनको ये मिल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी सिटी जहाँ पे इतने सारे क्राइम होते हैं तो वहाँ पे लोग क्यों आएंगे? क्योंकि वो लोग सेफ़ नहीं होंगे ना, अपनी फैमिली को लोग सेफ रखना चाहते हैं, तो क्या पता वहाँ पे ना आए। और इसी बात को लेकर ये लोग चिंतित थे, फिलेंथ्रोपिस्ट लोग भी और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी। इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, सो द पॉपुलेशन ऑफ क्रिमिनल्स वॉज काउंटेड देयर एक्टिविटीज़। हाँ ठीक है, मतलब कि ये क्रिमिनल्स जितने भी लोग थे उनको भी काउंट किया जाता कि हाँ कितने क्रिमिनल्स यहाँ पे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखा जाता, और इनके जो लाइफ जीने के तरीके हैं ना, वेज ऑफ लाइफ, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता कि ये लोग क्रिमिनल्स अगर हैं तो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और mid-19th century में हेनरी मेहो ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी, सेवरल वॉल्यूम्स लिखा था ना, लंदन लेबर के ऊपर लिखी थी उन्होंने, काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी और एक लंबी लिस्ट तैयार की थी उन लोगों की जो इस सिटी में रहते हैं, हु मेड अ लिविंग फ्रॉम क्राइम, सॉरी मतलब कि वो लोग जो
क्राइम करके अपना गुजारा करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को क्रिमिनल्स के तौर पे लिखा गया, मतलब वो लोग जो पुअर लोग थे, पुअर पीपल थे, जो अपनी अपना मतलब गुजारा करते थे। कैसे? नज़ीक से कहीं से भी कुछ ब्रेड चुरा चुरा लिया, कहीं से कुछ खा लिए, खाने के लिए कुछ ले लिया, कपड़े पहनने के लिए कहीं से कुछ ले लिए, कोई चुरा लिया, ये सब सिंपल सिंपल चीज़ें। यहाँ पे लिखा है ना, क्रिमिनल्स वर इन फैक्ट पुअर पीपल हु लिव्ड बाय स्टीलिंग लीड फ्रॉम रूफ्स, फूड फ्रॉम शॉप्स, लम्स ऑफ कोल, क्लोथ्स ड्राइंग ऑन द हेजेस, कपड़े सुखाने के लिए रखे तो ये लोग चुरा के ले जाए थे अपने लिए, इनको इनको ज़्यादा जरूरत थी इसलिए, राइट? तो देर वर अदर्स हु वर मोर स्किल्ड एट दैट ट्रेड, और ऐसे भी लोग थे जो अपने काम में काफ़ी माहिर थे, अपने व्यापार में काम में माहिर थे, अपनी जॉब्स में एक्सपर्ट भी थे। और ये लोग क्या थे, दे वर द चीट्स एंड द ट्रिक्सटर्स, ये वो लोग थे जो चीटिंग करते थे, ट्रिक्स यूज़ करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते थे, पिक पॉकेट्स, जेब कतरे, पेटी थीव्स, छोटी छोटी चोरियाँ करने वाले, ये लोग लंदन के रास्तों पे काफ़ी देखे जाते थे। और तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने सोचा होगा कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की पॉपुलेशन को थोड़ा डिसिप्लिन में लाया जाए, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने हाई पेनल्टीज़ रख दी। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको बहुत ही बुरी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, ज़्यादा पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। और इन लोगों को उन्होंने काम भी दिया, वो लोग मतलब के क्रिमिनल्स को काम नहीं दिया, वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, जो डिजर्विंग है, जो जिनको सही में नौकरी मिलनी चाहिए, कुछ मिलना चाहिए काम, जो बेचारे मजबूरन छोटी मोटी चोरियां करते हैं या फिर बहुत ही गरीब लोग, उनको नौकरियां देने का भी प्रॉमिस किया गया है। फैक्ट्रीज के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में वुमेंस को एम्प्लॉय किया जाता लेट 18th सेंचुरी में और अर्ली 19th सेंचुरी में। अब जैसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो वुमेंस लोग वुमेंस की जो जॉब थी ना, इंडस्ट्रियल जॉब्स, वो उनके हाथ से निकल गई, क्योंकि अब उनके जगह पे काम करने वाले मशीन्स थी, तो उनको मजबूरन फिर घर के अंदर ही अपने घर के काम में इन्वॉल्व होना पड़ा। और 1861 के सेंसस के हिसाब से कितना था इसमें, देखो डोमेस्टिक सर्वेंट जो थे लंदन में, उसमें अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन, मतलब 1 मिलियन का चौथाई पार्ट, 1/4 ऑफ अ मिलियन, इतने लोग तो लंदन में डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे, मतलब घर के अंदर काम करने वाले, घर घर का झाड़ू पोछा करने वाले, खाना बनाना, ये सब थे, जिनमें से एक बड़ी मेजोरिटी थी जो वुमन थी। ऑब्वियसली घर के काम में ज़्यादातर एक्सपर्ट और ज़्यादातर घर के काम में एक्सपीरियंस किसको होता है, वुमन्स को ही होता है। तो उस टाइम पे वुमन्स बेचारे अपने इंडस्ट्रियल जॉब्स तो उनकी छूट गई, तो अब ये जिनको जहाँ पे काम मिलता है वो बेचारे वहाँ पे काम करने के लिए राजी हो गए। और बहुत सारी वुमन्स अपने घर को ही यूज़ करती थी, राइट? अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन यूज देयर होम्स टू इंक्रीज फैमिली इनकम बाय टेकिंग इन लॉजर्स और थ्रू सच एक्टिविटीज एज टेलरिंग, वॉशिंग, ये सब काम करते थे। मतलब ज़्यादातर वुमेंस अगर बाहर उनको काम नहीं मिलता तो लोग क्या घर पे ही बहुत सारा काम करते थे, अपनी फैमिली की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, जो भी कपड़े धोने का काम हो या फिर टेलरिंग का काम हो, वॉशिंग का काम हो, मैच बॉक्स मेकिंग, ये सब काम वो लोग घर पे ही करते थे, ताकि थोड़ा बहुत जो भी हो, कुछ थोड़ा बहुत फैमिली की इनकम वो बढ़ा सकें। लेकिन फिर क्या हुआ, एक चेंज आया 20th सेंचुरी में। तो जैसे ही वुमेंस को वॉर टाइम इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गया, ऑफिसेज में काम मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो लोग घर के कामों में और डोमेस्टिक सर्विस में से वो लोग हट गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या होता है, और जब भी वॉर होती है सब में क्या होता है, तो वहाँ पे भी वॉर टाइम इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जो वेपन्स बनाती हैं, जो कपड़े बनाती हैं, सब कुछ करती हैं ना अपने सोल्जर्स के लिए, तो वैसे में इनको काम मिलना स्टार्ट हो गया ऑफिस में भी, तो इन्होंने अपना घर का काम, डोमेस्टिक जो सर्विस होती थी, वो सब छोड़ दिया। और बहुत सारे बच्चे फिर लो पेड वर्क में चले गए। तो कई बार क्या होता था कि उनके खुद के पेरेंट्स ही बच्चों को काम करने के लिए भेज देते थे, जो छोटी मोटी जो भी कुछ मजदूरी करो, जाओ काम करो और घर के लिए पैसा कमाओ। तो एंड्रयू मीन्स ने, एक क्लर्जी मैन थे, उन्होंने ये लिखा है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, 1880s में इन्होंने ये लिखा था। इन्होंने दिखाया था कि क्यों क्राइम, लंदन में रहने वालों के लिए क्राइम ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
अगर इसके मुकाबले अगर आप छोटी सी कोई अंडर पेड फैक्ट्री में काम करोगे, उससे ज़्यादा पैसा तो आप क्राइम करके कमा लोगे। वहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है जो क्लियरली दिखाता है कि क्यों क्राइम वहाँ पे प्रॉफिटेबल था। एक बच्चा है मान लो 7 साल का, तो वो आराम से एक वीक, एक हफ्ते के अंदर 10 शिलिंग्स 6 पेंस एक वीक के अंदर कमा सकता है चोरी करके। ठीक है, शिलिंग्स और पेंस ये सब वहाँ की करेंसी के नाम है। ठीक है, और भले ही अगर उसके सामने दूसरा कोई बच्चा है, एक यंग बॉय है, उसको कम से कम 56 क्रॉस मैच बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे एक हफ्ते में, या तो फिर 1296 एक दिन में बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो इतना कमा पाएगा। तो इतना सारा मेहनत करे, इससे अच्छा वो छोटी सी चोरी कर ले और एक छोटी छोटी चोरियाँ करे और एक वीक में इतना कर ले, राइट? ये वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी थी जो कि गलत है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, आगे देखो। तो ये सब कब खत्म हुआ, सरकार ने 1870 में एक एक्ट पास किया था, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट, और फैक्ट्री एक्ट्स भी आने लगे थे 1902 से। इन सभी चीज़ों की वजह से बच्चे इंडस्ट्रियल वर्क से बाहर और दूर रहने लगे, इनको इंडस्ट्रियल वर्क में काम नहीं दिया जाने लगा, क्योंकि ये सरकारी अब लॉ के खिलाफ होता था इसलिए। और हाउसिंग वहाँ पे कैसी होती देखते हैं, जो पुरानी सिटीज़ थी जैसे कि लंदन, वो ड्रामेटिकली चेंज हुई जब लोग वहाँ पे आने लगे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक तो बाढ़ जैसी आ गई, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आने लगे। फैक्ट्री और वर्कशॉप्स के बारे में क्या है यहाँ पे, हाँ, फैक्ट्री वर्कशॉप ओनर्स डिड नॉट हाउस द माइग्रेंट वर्कर्स। तो जो फैक्ट्री ओनर्स थे और वर्कशॉप के जो ओनर्स थे, ये लोग अपने मज़दूरों को रहने के लिए घर तो देते नहीं थे ना, तो ये बेचारे जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा क्या था कि इंडिविजुअल जो लैंड ओनर्स थे, वो लोग नए आने वाले मजदूर जो सिटी में आ रहे हैं उनके लिए सस्ते और अनसेफ टेनमेंट्स बनाते थे न्यू अराइवल्स के लिए। टेनमेंट्स का मतलब क्या होता है देखते हैं भाई, टेनमेंट्स, व्हाट इज टेनमेंट? रन डाउन एंड ऑफन ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट हाउस, ऐसा हाउस जिसमें ओवर क्राउडेड हो, जिसमें रहने के लिए अगर 4 लोग हैं तो उसमें 6-7 लोग रहें, ऐसा। तो एक बड़ी सिटी में एक पुअर सेक्शन होता है ना, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं अपनी अपनी कॉलोनी बना के छोटी सी वैसे। तो ये जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उन लोगों ने ऐसा किया था पैसे कमाने के लिए, सस्ते और अनसेफ अनहेल्दी कंडीशंस वाली ऐसी जगहें बनाई थी ताकि ये लोग वहाँ पे रह सके। ऑल्दो पॉवर्टी वॉज नॉट अननोन इन द कंट्री साइड, इट वॉज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्टार्कली विजिबल इन द सिटी। देखो, कंट्री साइड में मतलब रूरल इलाकों में गरीबी उतनी देखी नहीं जाती, मतलब गरीबी वो लोग जानते थे, ठीक है, कि रूरल इलाकों में तो गरीबी है ही, लेकिन ये गरीबी ज़्यादातर देखने को कहाँ पे मिलती थी, सिटीज़ में। और 1887 में चार्ल्स बूथ, जो कि एक लिवरपूल शिप ओनर हैं, इन्होंने एक पहला सोशल सर्वे कराया था, किसका, लो स्किल्ड लंदन लेबर वर्कर्स का कराया था जो ईस्ट एंड ऑफ लंदन में रहते थे। तो उन्होंने क्या पाया कि करीब 1 मिलियन लंदनर्स, मतलब कि 1/5 लंदन की पॉपुलेशन उस टाइम पे जो थी उसका 1/5 अगर करें तो उतने लोग बहुत ही पुअर थे, और उन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता, या फिर वो ये चीज़ एक एक्सपेक्टेड थी कि वो कितना जिएंगे, उनकी एवरेज एज सिर्फ 29 होती, ऐसा मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से पता लगाया गया। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को हैं और जो अच्छे खासे घर को बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 55 ईयर्स थी, जबकि इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो एवरेज है वो कितना था, सिर्फ 29। और ये लोग ज़्यादातर जल्दी मर जाते थे, कहाँ पे मरते थे, वर्क हाउस में या हॉस्पिटल में या फिर ल्यूनेटिक असाइलम में, ऐसी जगहों पे लोग बेचारे मर जाते। तो लंदन के बारे में इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि लंदन को करीब कितने रूम बनाने चाहिए यहाँ पे, हाँ, 4 लाख, 4 लाख रूम बनाने चाहिए ताकि वो लोग अपने सबसे पुअरेस्ट सिटीजन्स को रहने के लिए घर दे सकें। फॉर अ वाइल द बेटर ऑफ सिटी ड्वेलर्स कंटिन्यू टू डिमांड दैट स्लम्स सिंपली बी क्लियर अवे, बट ग्रेजुअली अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू रियलाइज रिकग्नाइज द नीड फॉर हाउसिंग फॉर द पुअर। देखो, काफ़ी समय तक तो ऐसा था कि जो जो लंदन सिटी के जो अच्छे खासे रहने वाले घर के थे ना, अच्छे बड़े घर के थे, वो लोग ये मानते थे कि झोपड़पट्टी को एकदम से सफ़ा कर देना चाहिए, झोपड़पट्टी एकदम से होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सिटी में। लेकिन धीमे धीमे लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा, काफ़ी सारे लोगों ने ये माना, ये पहचाना कि हमारे सिटी में जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर तो होना ही चाहिए। व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस इंक्रीजिंग कंसर्न, क्या रीज़न थे, क्यों
क्यों इन लोग को इन गरीबों की चिंता हो रही थी ज़्यादा? देखो, तो पहला रीज़न क्या था? फर्स्ट, द वास्ट मास ऑफ वन रूम हाउसेस ऑक्यूपाइड बाय द पुअर वर सीन एज अ सीरियस थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। दे वर ओवर क्राउडेड, बैडली वेंटिलेटेड एंड लैक्ड सैनिटेशन। एक तो पहला रीज़न ये कि एक एक मतलब इनके इनके लिए जैसे भले फैमिलीज में चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन उनके लिए एक फैमिली के लिए एक रूम, ऐसा एक रूम के अंदर काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रहते थे। तो ये एक बड़ी समस्या थी पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि एक रूम में रहने वाले काफ़ी सारे लोग थे और वहाँ पे मतलब हवा का आना जाना, जो वेंटिलेशन होता है ना, वो भी बहुत पुअर था और वहाँ पे साफ़ सफाई भी ठीक से होती नहीं थी। दूसरा रीज़न क्या है? सेकंड, देर वर वरीज अबाउट फायर हैजार्ड्स क्रिएटेड बाय पुअर हाउसिंग। देखो, पुअर हाउसिंग की वजह से कहीं कहीं पे आग भी लग जाती थी, तो आग लगने का खतरा भी होता था। थर्ड रीज़न क्या है? देर वॉज अ वाइड स्प्रेड फियर ऑफ सोशल डिसऑर्डर, एस्पेशली आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन 1917। तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था ना 1917, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये डर बैठ गया कि हमारी सोसाइटी में एक सोशल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, वर्कर्स मास हाउसिंग स्कीम्स वर प्लान्ड टू प्रिवेंट द लंदन पुअर फ्रॉम टर्निंग रेबेलियस। तो इनको लगा कि अगर हम लोग इनकी कंडीशंस को सुधारेंगे नहीं, तो ये हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारे खिलाफ़ हथियार उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सारे डर की वजह से इन्होंने गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम्स लाना स्टार्ट किया, ताकि लंदन के जितने भी गरीब लोग हैं वो रेबेलियस ना बन जाएं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि वाई वर द बेटर ऑफ पीपल, वाई वर द मेजोरिटी ऑफ द वेल ऑफ पीपल ऑफ लंदन वर कंसर्न अबाउट द पुअर। तो ये तीनों रीज़न इसमें लिख सकते हो कि वाई वर देर अ कंसर्न इंक्रीजिंग रिगार्डिंग द पुअर पीपल, दीज वर द थ्री रीजन्स। यहाँ पे फिगर फाइव में क्या लिखा? देखो, गरीबों के लिए रहने के लिए, आराम करने के लिए, या फिर उनको मस्ती करनी हो या फिर एन्जॉय करना हो, तो ये रास्ते ही थे जो उनके लिए सब कुछ थे। ठीक है, शहरों के रास्ते, क्योंकि शहर में उनको कोई अगर रहने का मकान नहीं होगा तो लोग बेचारे रास्ते पे रहेंगे, तो ये लोग के लिए ये रास्ते ही सब कुछ थे जहाँ पे लोग रहते थे। ये एक इमेज है जो द इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ 1856 की ये इमेज है 19th सेंचुरी में। तो ये सारा नज़ारा देखकर जो शहर के बड़े बड़े अमीरजादे हैं, जो अमीर लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं और जो फेमस हैं, इन लोगों को धीमे धीमे चिंता होने लगी थी कि हमारे रास्तों पे अगर इसी तरह से लोग बिखरे हुए दिखेंगे, तो ये लोग मजबूरी में कोई क्राइम करेंगे या फिर दारू पी के हमें भी हैरान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लूट सकते हैं। इसीलिए एक टेम्परेंस मूवमेंट डेवलप हुआ धीमे धीमे इस तरह की जो इविल है ड्रिंकिंग की, उसके खिलाफ, क्योंकि ये लोग गरीब लोग अपनी थकान मिटाने के लिए, अपना टेंशन दूर करने के लिए शायद पीते भी होंगे। तो ये सब देख के अमीर लोगों को भी काफ़ी चिंता हुई थी। अब देखते हैं यहाँ पे 1.4, क्लीनिंग लंदन। अ वैरायटी ऑफ स्टेप्स वर टेकन टू क्लीन अप लंदन। लंदन को क्लीन करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि लंदन को डी कंजेस्ट लोकेलिटीज़ में कन्वर्ट किया जाए। मतलब कि इलाकों में कंजेस्ट, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड इलाके जो होते थे, उनको थोड़ा और भी स्प्रेड किया जाए। एक ही इलाके में अगर 100 या 500 लोग हैं, तो उनको हटा के वहीं पे मतलब थोड़े कम लोग होने चाहिए और बाकी सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा दूर दूर किया जाए। ग्रीन द ओपन स्पेसेस, जहाँ पे भी खुली जगह है वहाँ पे पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स ये सब लगाया जाए। पॉल्यूशन को कम किया जाए और लंदन का लैंडस्केप भी अच्छा रहे। और बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स थे ना, ब्लॉक्स ऑफ अपार्टमेंट्स, ये बनाए गए किसके जैसे? बर्लिन और न्यूयॉर्क के जैसे। ये सिटीज़ वो थी जिनके अंदर इसी तरह की हाउसिंग प्रॉब्लम्स देखी जाती थी। रेंट कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटेन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ताकि ये जो सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज है इसको ख़त्म किया जा सके या फिर इसको कम किया जा सके। कंजेशन, जो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल सिटीज़ में जो कंजेशन था ना, इसके वजह से सबको ये इच्छा होने लगी कि अब हमें क्लीन कंट्री एयर चाहिए, मतलब हमें ऐसी हवा चाहिए जो एकदम साफ़ सुथरी हो, क्लीन हो। तो इसी कंजेशन की वजह, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, तो इस तरह के कंजेशन, इस तरह की डेंसिटी की वजह से वहाँ की एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाती है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो ये लोगों को धीमे धीमे रियलाइज़ होने लगा था कि हमें साफ़ सुथरी क्लीन हवा चाहिए। बहुत सारे जो वेल्दी रेसिडेंट्स थे लंदन के,
इन लोगों ने इन लोग ये लोग तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना, तो ये लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सिटी से काफ़ी दूर कंट्री साइड में जाके हॉलिडे होम्स में रहते थे। मतलब छुट्टियों के टाइम पे, जैसे बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, वैकेशन है, जो भी कुछ है, तो छुट्टियों के टाइम पे ये लोग गांव वाले इलाकों में जाके रहने लगे थे, अमीर लोग, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सिटीज़ में पॉल्यूशन है, इतना सब कुछ क्राइम है, ये सब हो रहा है, तो एटलीस्ट छुट्टियों के टाइम पे तो हम दूर जाके हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। डिमांड्स बढ़ने लगी थी, डिमांड्स वर मेड फॉर न्यू लंग्स ऑफ द सिटी। न्यू लंग्स ऑफ द सिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में से पॉल्यूशन को ख़त्म करें, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो एयर पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करें। उसके लिए न्यू लंग्स मतलब क्या, कि ऐसे नए नए इलाके जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हों, उसको बोलेंगे न्यू लंग्स। एंड सम अटेम्प्ट्स वर मेड टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड द कंट्री साइड थ्रू सच आइडियाज़ एज द ग्रीन बेल्ट अराउंड लंदन। तो ऐसे और भी सारे आइडियाज़ बनाए गए, ठीक है, जिससे कि सिटी और कंट्री साइड के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सके। देखो, कंट्री साइड में ज़्यादा पॉल्यूशन था नहीं, तो वहाँ पे हरियाली होती थी, वहाँ की हवा क्लीन और फ्रेश होती थी, जबकि सिटीज़ में ऐसा नहीं था। तो ये जो डिफरेंस को हटाने के लिए इन्होंने ग्रीन बेल्ट तैयार की लंदन में। ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है वो सारा इलाका जो जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं काफ़ी मात्रा में। आर्किटेक्ट और प्लानर बेनेजीर हॉवर्ड, इसने डेवलप किया था एक प्रिंसिपल, क्या कौन सा प्रिंसिपल, ही डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ गार्डन सिटी। एक गार्डन सिटी का प्रिंसिपल इन्होंने बताया, मतलब एक ऐसी शांत जगह, एक ऐसी प्लेजेंट स्पेस जहाँ पे पेड़ पौधे खूब हों, जहाँ पे लोग रह सकें और काम भी कर सकें, ऐसी जगह। तो इनके ये पूरा पैराग्राफ उन्हीं के बारे में है, ठीक है, कि इन्होंने एबनर होवर्ड ने कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात की है। ही बिलीव दिस वुड ऑल्सो प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी सिटीजन्स। अगर रहने के लिए इस तरह का अच्छा अच्छा जगह होगा, अच्छा माहौल होगा, ठीक है, पेड़ पौधों से भरा हुआ होगा और शांति से लोग रह पाएंगे, तो इसके वजह से हमें सिटीजन्स भी अच्छे मिलेंगे ना, हमें बेटर क्वालिटी सिटीजन्स भी मिलेंगे। इसके बाद हॉवर्ड के आइडिया पे काम करते हुए रेमंड उनविन और बैरी पार्कर ने जो गार्डन सिटी है, न्यू अर्सविक या फिर न्यू ईयर्सविक नाम की गार्डन सिटी को डेवलप किया। अब इसके कितने कॉमन गार्डन स्पेसेस थे, इनके यहाँ पे कॉमन गार्डन स्पेसेस थे, ब्यूटीफुल व्यूज़ थे, और काफ़ी अटेंशन रखा गया था, काफ़ी ध्यान रखा गया था डिटेल में हर चीज़ के बारे में। और अंत में जो वेल ऑफ वर्कर्स थे ना, जो मतलब अच्छे अच्छे खासे कमाते थे, वो वर्कर्स ही इस तरह के हाउसेस को अफोर्ड कर पाते थे। तो जो दो वर्ल्ड वॉर हुई इनके बीच, हाउसिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्किंग क्लासेस के लिए जो हाउसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया ब्रिटिश की सरकार ने, और करीब 1 मिलियन 1 मिलियन, जिसमें से ज़्यादातर सिंगल फैमिली कॉटेजेस थी, ये सारे बनाए गए थे लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इसी दौरान क्या हुआ था, सिटीज़ धीमे धीमे एक्सटेंड होने लगी थी, उनके रेंज के से भी बियॉन्ड जाने लगी थी, एक्सटेंड होती गई, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लोग अपने मतलब अब जहाँ पे काम करना है वहाँ पे काम करने के लिए भी वो लोग, अगर अगर फैक्ट्री के नज़दीक में ही किसी ने घर ले लिया या फिर घर बना दिया, तो वो अपने घर से काम करने की जगह फैक्ट्री तक आराम से चल के भी जा सकता है, राइट। और सबअर्ब्स का डेवलपमेंट हो गया, सबअर्ब्स का जो डेवलपमेंट था वो एक नया फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट था, नया तरीका था ट्रांसपोर्ट का, मास ट्रांसपोर्ट, जो बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। तो 1.5 ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, तो लंदन में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता था। हाउ कुड पीपल बी परसुएडेड टू लीव द सिटी एंड लिव इन गार्डन सबअर्ब्स अनलेस देर वर सम मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग टू द सिटी फॉर वर्क। देखो, गार्डन सिटी, अच्छी सिटी, एयर पोल्यूशन सब कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी, तो ये एनवायरनमेंट आपको दूर मिलेगा काफ़ी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी दूर मिलेगा। अब उस इंडस्ट्रियल एरिया से दूर जाकर रहना, तभी वो लोग ये चाहेंगे ना, जब उनके पास पता हो उनको कि हाँ, वो लोग अपने अच्छे अच्छे एरिया को छोड़कर जब काम के लिए निकलेंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, वो अपने घर से काम करने वाले इलाकों तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये तभी हो सकता है जब उनको पता हो कि हाँ, सरकार ने इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना दिया है कि हम ट्रेवल कर सकते हैं काम करने के लिए। तो इसके लिए किसका निर्माण किया गया, लंदन अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण किया गया। तो लंदन अंडरग्राउंड रेलवे ने काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया,
कौन सी प्रॉब्लम, हाउसिंग क्राइसिस जो थी ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे फिर जाके रहने लगे जहाँ पे अच्छी अच्छे घर हैं। देखो, अच्छी जगह अगर बनी तो सिटी के अंदर की जो डेंसिटी थी ना, जो हाईली कंजेस्टेड एरिया था, वो धीमे धीमे कम होता गया, क्योंकि हाईली कंजेस्टेड एरिया में से वो वर्कर्स जो अच्छे खासे कमाते हैं, वो वहाँ से निकल के चले जाएंगे ऐसी जगह पे जो गार्डन सिटी है, जो हेल्दी सिटी है, उस तरफ चले जाएंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगा, कंजेक्शन कम हो जाएगा। और इस तरह का लंदन अंडरग्राउंड जो रेलवे था, उसके वजह से उन वेल ऑफ वर्कर्स को भी इन सबको पता था ना कि हम लोग आराम से ट्रेवल करके अपने काम वाले इलाकों में जा सकते हैं और वापस घर जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड इन द वर्ल्ड ओपन ऑन 10 जनवरी 1863 बिटवीन पेडिंगटन एंड फेरिंगटन स्ट्रीट इन लंदन। तो पहला जो सेक्शन था अंडरग्राउंड का, वो यहाँ पे ओपन किया गया इन दोनों जगहों के बीच में। और उस दिन करीब 10,000 पैसेंजर्स ने ट्रैवलिंग की। विथ ट्रेन्स रनिंग एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में ट्रेन रन करती थी, और उसमें उस दिन करीब 10,000 लोगों ने ट्रैवलिंग की। और 1880s तक ये जो ट्रेन की सर्विस थी, वो एक्सपांड की गई और भी बड़ी की गई, जिसकी वजह से एक साल के अंदर 40 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले तो स्टार्टिंग में लोग डर गए थे, थोड़े डरे हुए थे कि हमें अंडरग्राउंड ट्रैवल करना पड़ेगा, और यही बात न्यूज़पेपर में एक रीडर ने बताया है उसके बारे में, जो लिखा था ना, दिस इज़ व्हाट वन न्यूज़पेपर रीडर वॉन्ड। द कंपार्टमेंट इन विच आई सेट वॉज फिल्ड विद पैसेंजर्स हु वर स्मोकिंग पाइप्स। द एटमोसफियर वॉज अ मिक्सचर ऑफ सल्फर, कोल डस्ट एंड फोल फाउल फ्यूम्स फ्रॉम द गैस लम्प्स अबव लैम्स अबव सो दैट बाय द टाइम वी रीच्ड मूर गेट आई वॉज नियर डेड ऑफ एस्फिक्साइजेशन एंड द हीट। आई शुड थिंक दीज अंडरग्राउंड रेलवेज मस्ट सून बी डिसकंटिन्यूड फॉर देवर अ मिनेस टू हेल्थ। तो ये एक ट्रैवल करने वाले ने लिखा था कि जब तक मैं, जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, तो अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो स्मोकिंग कर रहे थे, और ये स्मोकिंग के वजह से, इस तरह के वजह से, तो पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो इस तरह की गैसेस से भरा पड़ा था। और जब तक कि मैं मुरगेट पहुंचा, तब तक तो मैं करीब मर ही गया था एसफिक्शन की जैसे, एसफीजाइजेशन, वॉट एवर यू कॉल इट, तो इसकी वजह से वो बेचारा करीब मर गया था। ये इसने एक सरकैज़म लिखा है, तो इसके बारे में कोई ना कोई वर्ड होगा यहाँ पे। देर हैज़ टू बी सम डेफिनेशन अबाउट इट मैन। कहाँ गया भाई, शायद नेक्स्ट पेज पे, यहाँ ये रहा। एस्फिक्साइजेशन का मतलब क्या होता है, सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मतलब सिंपल के तौर पे, जैसे कि सांस लेने के लिए भी अगर ना लगे कि यार मैं इतनी भीड़ में सांस भी नहीं ले पा रहा, राइट, तो उसने ये सरकैज़म बताया है कि तब तक तुम्हें मरी जाऊंगा, जब तक लंदन मोर गेट का आएगा तब तक। और आई शुड थिंक ऑफ दिस, ये क्या सोचा था कि इस तरह के जो अंडरग्राउंड रेलवेज हैं, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी हेल्थ के लिए एक नुकसान है। मैनी फेल्ट दैट द आयरन मॉन्स्टर्स एडेड टू द मैस एंड अनहेल्दीनेस ऑफ द सिटी। आयरन मॉन्स्टर्स का मतलब क्या हो सकता है, कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क होता है, वो एक तरीके से आयरन मॉन्स्टर्स इनको नाम दिया, क्योंकि इनमें से जो धुआं निकलता है ना, जो स्मोक निकलती है, वो काफ़ी हार्मफुल है। चार्ल्स डिकन ने कुछ लिखा था डॉम्बे एंड सोन, इसमें इन्होंने क्या लिखा था, मैसिव डिस्ट्रक्शन जो चल रहा था ना इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हो रहा था, ठीक है, अब इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा था। हाउसेज वर नॉक डाउन, स्ट्रीट्स ब्रोकन थ्रू एंड स्टॉप्ड, डिप पिट्स ट्रेंचेस डग इन द ग्राउंड, इनॉर्मस हीप्स ऑफ अर्थ एंड क्ले थ्रोन अप, देर वर 100,000 शेप्स एंड सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस ऑफ इनकम्प्लीटनेस वाइडली मिंगल्ड आउट देर प्लेसेस अपसाइड डाउन बरोइंग इन द अर्थ। ये सब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की, इसका मतलब क्या है कि हर तरफ, मान लो कि आप ऐसी सिटी में घूम रहे हो जहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, अब कंस्ट्रक्शन होगा तो खुदाई काम होगा, बहुत सारे हाउसेस को अगर गिराया जा रहा है, नए हाउस वहाँ पे बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, यही सब वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े खड्डे होंगे जब रोड्स बनते हैं ना। आपने देखा होगा इंडिया में जहाँ पे भी रोड्स का कुछ कंस्ट्रक्शन काम होता है, कोई बिल्डिंग हो रही होती है, बहुत सारा अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो इस तरह का देखने को मिलता है सब कुछ। टू मेक अप्रोप्रिएटली 2 माइल्स ऑफ रेलवे, अब 2 माइल के रेलवे बनाने के लिए 900 घर को डिस्ट्रॉय किया गया है। दस द लंडन ट्यूब रेलवे लेड टू अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लंडन पुअर, स्पेशली बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो ये 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में
जो लंदन ट्यूब रेलवे है उसका निर्माण किया गया। सिर्फ 2 माइल्स का ये रेलवे है, ये 2 माइल्स का रेलवे बनाने के लिए 900 घर गिराए गए जिसके अंदर लंदन के पुअर लोग रहते थे। तो ये सब हुआ था वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में हुआ था। येट द अंडरग्राउंड इवेंचुअली बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। फिर भी अंडरग्राउंड जो है वो एक ह्यूज सक्सेस हो गया 20th सेंचुरी के तक। तो जो बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिसिस थी जैसे कि न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, शिकागो है, यहाँ पे अगर अच्छे से काम करना है तो एक वेल फंक्शनिंग ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। अगर वेल फंक्शनिंग ट्रांजिट सिस्टम मतलब कि एक वेल एडवांस्ड डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर नहीं होगा तो ये इतने बड़ी बड़ी सिटीज़ में काम ठीक से नहीं होगा। और ऐसा ही काम हो रहा था अंडरग्राउंड रेलवेज़ की वजह से। तो अगर इन बड़ी सिटीज़ में इस तरह की अगर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता तो ये लोग अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। इसके वजह से हुआ क्या था, जो सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन थी ना वो धीमे धीमे डिस्पर्स होती गई, राइट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी वो धीमे धीमे कम होती गई। क्यों? क्योंकि बेटर प्लान्ड सबर्ब्स थे और अच्छा रेलवे का नेटवर्क था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सिटी के बाहर जाके भी रहने लगे थे। सेंट्रल लंदन से भी काफ़ी दूर जाके रहने लगे थे क्योंकि उनको पता है कि अगर हम दूर जाके रहेंगे फिर भी हम अपने घर से फैक्ट्री में या फिर जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे हम ट्रेवल कर लेंगे इसी अंडरग्राउंड रेलवेज़ की हेल्प से। और दीज न्यू कन्वीनियंसेस वो अराउंड सोशल डिस्टिंक्शंस एंड ऑल्सो क्रिएटेड न्यू वंस। अब देखो ये जो नए नए कन्वीनियंसेस थी ना, कन्वीनियंस जो हो रही थी जिससे रिच और पुअर दोनों लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसके वजह से सोशल डिस्टिंक्शंस भी काफ़ी हद तक कम हो गई और नई तरह की सोशल आइडेंटिटीज़ बनने लगी थी। तो किस तरह के ये जो चेंजेस थे, इन चेंजेस ने किस तरह से डोमेस्टिक और पब्लिक लाइफ को इफ़ेक्ट किया? क्या हर सोशल ग्रुप्स के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट थे, इक्वली सिग्निफिकेंट थे? इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपने तरफ से बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। कई बार होता क्या है कि हम लोग एक चीज़ को समझा पाते हैं लेकिन वीडियो बनाते वक्त क्या होता है, जब बोलते बोलते कहीं कहीं हम लोग गलत बोल जाते हैं, सही बोल जाते हैं। आई होप आप लोग समझोगे, मेरा एक ही मोटिव है, मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अच्छे से किसी चैप्टर को समझना चाहते हैं तो उस चैप्टर की एक एक लाइन को अच्छे से समझें, उसके एक एक वर्ड को अच्छे से समझें। क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जब लिखना होगा तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट में 5 मिनट का वीडियो दिखा के उसके बेस पे आप लिख नहीं पाओगे। जब आप उस चैप्टर की डीप में गहराई में जाओगे, एक एक चीज़ को समझोगे, तभी आपके माइंड में एक पिक्चर बनेगा ना, तभी आपके माइंड में एक सीन बनेगा, एक इमेजनरी बनेगी, राइट, जिसकी हेल्प से आप आंसर्स अपने लिख पाओगे। ओके, तो मेरा यही मकसद होता है कि आप सिर्फ चैप्टर ना पढ़ो लेकिन चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप बोर्ड एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी आप लिख सको। इसीलिए मैं हर पार्ट को इतना टाइम देता हूँ बनाने के लिए, ताकि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप पहली बार पढ़ो तो अच्छे से समझो, पहले उसको अच्छे से एक एक चीज़ समझो, फिर बाद में उसको रिवाइज़ करते रहो फटाफट फटाफट, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चरण, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज़ राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।